फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वीकेंड आ रहा है, संडे को स्पेशल ब्रंच बनाने के लिए आप भी तैयार होंगे, तो क्यों ना मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँ जो ऑथेंटिक भी हो, टेस्टी भी हो और आपका संडे भी बिल्कुल एंजॉयबल हो। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ ऑथेंटिक अमृतसरी छोले रेसिपी। बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से छोले मसाला बनाते हुए मैं आपके साथ छोले मसाले की ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कुछ ट्रिक्स और टिप बताते हुए मैं आपको छोले मसाला कैसे गाढ़ा और डार्क ब्राउन कलर का होगा ये सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और बिल्कुल कम से कम समय में इंस्टेंटली ये रेसिपी बनते रेडी हो जाती है। सबसे पहले हमें रात को ही एक कप छोले को 3 से 4 बार अच्छे से धोने के बाद पानी में भिगो के रखना है। कम से कम आपको इसे 6 से 7 घंटे और ओवरनाइट भी आप इसे भिगो के रख सकते हो। मैंने लगभग रात भर इसे अच्छे से भिगो के रखा था, तो सुबह के बाद आप देख सकते हो वो अच्छे से फूल चुके हैं। जब भी आप छोले बनाते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे का अच्छे से कुक होना। इसलिए आपको सबसे पहले छोलों को अच्छे से पानी से धोने के बाद आपको साफ पानी के अंदर उसे कुकर के अंदर सीटियाँ लगानी है। मैंने यहाँ पे सिर्फ छोले डूबेंगे उतना ही उसके ऊपर पानी ऐड किया है। अब छोलों को फ्लेवर आने के लिए मैंने उसके अंदर ऐड किया है 1 बड़ी दालचीनी, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता, थोड़ा सा क्रश किया हुआ अदरक। उसके बाद मैंने ऐड किया है 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ ताकि हमारे जो छोले हैं वो अच्छे से कलर लाएंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है। और हाँ, मैंने यहाँ पे ऐड किया है थोड़ा सा नमक ताकि हमारे जो छोले हैं वो थोड़ा स्वादिष्ट बनेंगे। यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून घी। आप इसकी जगह तेल भी ऐड कर सकते हो। तेल या घी ऐड करने से हमेशा कोई भी दाल हो या फिर छोले हो वो अच्छे से पक जाते हैं। अब हमें गैस की फ्लेम हाई करते हुए हमें 1 सीटी लानी है और लो फ्लेम करते हुए उसकी 4 से 5 सीटियाँ लानी है ताकि छोले अच्छे से कुक हो जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है छोले मसाला। कभी भी आप छोले बनाते हो तो उसके लिए फ्रेश मसाला बनाना। अगर आप पैकेट का बाजार से मसाला लाते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप घर पे मसाला बनाते हुए उसे ऐड करते हो तो उससे फ्रेश मसाले से हमारे जो छोले का फ्लेवर है वो बढ़ जाता है। तो फिर चलिए बनाते हैं छोले मसाला। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 1 जावित्री का फूल। उसके बाद मैंने यूज़ किया है 1 बड़ी दालचीनी का टुकड़ा। 3 से 4 मैंने छोटी इलायची ली है। अगर आपके पास बड़ी इलायची है तो वो भी आप 2 इलायची ले सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 चक्रीफूल। 1 से 1.5 चक्रीफूल आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 सूखी मिर्च का इस्तेमाल किया है। 10 से 12 लौंग, 10 से 12 साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। लौंग और काली मिर्च का प्रमाण आप सेम रख सकते हो। सूखी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून मैंने बड़ी सौंफ का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास अनारदाना हो तो वो भी आप 1 टेबलस्पून यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन सारे मसालों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। बिल्कुल आपको लो फ्लेम पे सारे मसालों को अच्छे से बिल्कुल स्मेल आने तक भून लेना है ताकि जो मसाला है उसका फ्लेवर भी बढ़ जाएगा और मिक्सर ग्राइंडर में इसका अच्छे से पाउडर बन जाएगा। इस तरीके से आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे सारे मसालों को अच्छे से भून लेना है। जब भी आप ये मसाला भूनोगे तब आपके पूरे घर में बहुत अच्छे से स्मेल आएगी। इस तरीके से अगर आप छोले मसाला बना के रेडी रखते हो तो आप जब भी छोले मसाला, राजमा मसाला बनाते हो तो ये आप 1 टेबलस्पून उसमें ऐड करो तो आपकी जो सब्ज़ी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बाज़ार में छोले मसाला तो मिलता ही है, लेकिन फ्रेश मसाले की तो बात ही अलग होती है। इस तरीके से मैंने मिक्सर जार में ऐड करते हुए उसका इस तरीके से बारीक पाउडर कर लिया है। जैसे बाज़ार में मिलता है सेम वैसा ही टेक्सचर इसका आ गया है। अब आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखते हुए भी इसे स्टोर कर सकते हो और जब भी आप छोले बनाते हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे बनाया हुआ फ्रेश मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस तरीके से मेरा छोले मसाला बनके रेडी है। अब बारी आती है हमारे मेन छोले मसाले की, तड़के की। सबसे पहले उसी के लिए मैंने मिक्सर जार में 10 से 12 लहसुन कलियाँ, 1 इंच अदरक टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, फ्रेश धनिया। यहाँ पे आप धनिया की डंडियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि हम इसका बारीक पेस्ट बनाने वाले हैं। 2 मीडियम साइज़ के या फिर 1 बड़े साइज़ का टमाटर आपको यहाँ पे डाल देना है। मैंने इसे रफली चॉप किया है और उसका पेस्ट बना लेना है। टमाटर की प्यूरी बनाने के बाद उसी जार में हम ऐड करेंगे
अनियन। यहाँ पे मैंने लगभग 2 मीडियम साइज़ के अनियन इस तरीके से रफली चॉप करते हुए ऐड किए हैं। हमें इसका भी अनियन का पेस्ट बना लेना है, फाइन पेस्ट आपको बना लेना है। इस तरीके से हमारा टमाटर का प्यूरे और प्याज का प्यूरे बनके रेडी है। 5 सीटियाँ होने के बाद, मतलब एक हाई फ्लेम पे और 4 लो फ्लेम पे सीटियाँ होने के बाद आप देख सकते हो छोले परफेक्टली कुक हो गए हैं। मतलब उसे दबाने के बाद वो बिल्कुल अच्छे से मैश हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे जो छोले हैं वो बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गए हैं। इसी तरह आपको उसे गला लेना है। अब आपको सबसे पहले थोड़े से छोले इस तरीके से चमचे से दबाते हुए उसे मैश कर लेना है, ताकि आपको जो ग्रेवी है उसका जो थिकनेस है वो बिल्कुल प्रॉपर आएगा। इस तरीके से आपको थोड़े से छोले मैश कर लेने हैं। आप चाहे तो बाद में भी मैश कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा प्याज का पेस्ट बनके रेडी है। आप देख सकते हो प्याज मैंने इस तरीके से अच्छे से बारीक कर लिया है। अब हमें कढ़ाई में बिल्कुल 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल लेना है। जब भी आप छोले मसाला बनाते हो तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हमें तेल में 1 टेबलस्पून जीरा ऐड करना है और उसके बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा क्रश किया हुआ जिंजर और गार्लिक। इससे थोड़ा टेस्ट एनहांस होता है, इसीलिए आप ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना। अब उसी तेल में हम ऐड करेंगे कच्चे प्याज का पेस्ट, जो हमने मिक्सर जार में उसे अच्छे से प्याज को पेस्ट बनाया था वो हमें इसे अच्छे से गला लेना है। आपको बिल्कुल ब्राउन गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करना है। छोले मसाले में आपको सबसे मेन टिप यही फॉलो करनी है कि जब भी आप टमाटर का प्यूरे हो या फिर प्याज का प्यूरे हो, आपको उसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेना है, ताकि हमारा जो छोले का जो कलर है, जो ग्रेवी का कलर है, वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल पंजाबी ऑथेंटिक अमृतसर स्टाइल डार्क ब्राउन कलर आएगा। इसलिए आपको यहाँ पे बिल्कुल ब्राउन कलर आने तक प्याज को भून लेना है। हमारा जो प्याज है वो अच्छे से गलने लगा है, उसका जो कलर है वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगा है। थोड़ा सा और डार्क ब्राउन कलर आने के बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर का प्यूरे। आप देख सकते हो उसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब उसके अंदर मैंने ऐड किया है टमाटर का प्यूरे, क्योंकि मैंने टमाटर के प्यूरे में हरा धनिया, लहसुन, जिंजर ऐड किया था, इसीलिए उसका जो कलर है वो इस तरीके से आया है। अब हमें टमाटर और प्याज के प्यूरे को अच्छे से तेल छूटने तक, जब तक उसका ऑयल रिलीज नहीं हुआ था, हमें उसे भून लेना है। आप देख सकते हो बिल्कुल उसे तेल छूटने लगा है और जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई और ड्राई होने लगा है। जब मसाला ड्राई होने लगेगा और वो ऑयल रिलीज करेगा, तब आप समझ जाना कि आपका जो टमाटर और प्याज का प्यूरे है वो अच्छे से भून चुका है। अभी भी हमें थोड़ा सा उसे अच्छे से भून लेना है। जब तक वो पैन को, कढ़ाई को चिपकेगा नहीं, तब तक आपका टमाटर का और प्याज का प्यूरे अच्छे से भूनेगा नहीं। इसलिए आपको इसे कंटिन्यूसली स्टियर करते हुए अच्छे से भून लेना है। इसी पे डिपेंड होता है छोले मसाला का ग्रेवी का तर्री। इस तरीके से आपको कंटिन्यूसली 7 से 8 मिनट तक लगातार चलाते हुए आपको मसाले को भून लेना है। अब आप देख सकते हो जो मसाला है वो पूरी तरीके से ड्राई हो गया है, वो धीरे धीरे नीचे से पकने के लगा है और उसका जो तेल है वो भी छूटने लगा है। अब हमारा जो मसाला है वो परफेक्टली कुक हो गया है। अब हमें गैस की फ्लेम लो कर देनी है और सूखे मसाले उसके अंदर ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने लगभग 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। आप तीखा कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद मैंने ऐड किया है 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। अब हमें इन सारे मसालों को हमारे जो प्याज और टमाटर का प्यूरे है उसके साथ भून लेना है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट छोले मसाला जो हमने फ्रेशली बनाया था, अब यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून छोले मसाला ऐड किया है। बाद में भी हम ऊपर से वो ऐड करने वाले हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और लगभग 2 मिनट के लिए उसे अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि जो सूखे मसाले हैं वो प्याज और टमाटर के प्यूरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब हमें गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम हाई कर देनी है और उसे अच्छे से भून लेना है। मैंने यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला भी ऐड किया है, क्योंकि हमने छोले मसाला बनाया है इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बिल्कुल 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड किया है। अब हमारे सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तो हम उसके अंदर ऐड करेंगे छोले। जिस पानी में हमने छोले को कुक किया है वही पानी हम उसके अंदर ऐड करेंगे। आप चाहे तो पानी यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, थोड़ा सा गर्म पानी कर लो, आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। स्वाद अनुसार नमक और हरा फ्रेश धनिया मैंने यहाँ पे काटते हुए ऐड किया है।
अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपने पहले छोले मैश नहीं किए होंगे तो इस स्टेज पे आपको थोड़े से छोले बाहर निकालते हुए उसे मैश कर लेने हैं और उसके अंदर ऐड कर देने हैं। उससे होगा क्या, जो आपका जो ग्रेवी है उसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ठीक आएगा। जो अमृतसरी छोले होते हैं वैसे ही गाढ़े छोले रेसिपी आपके बन के रेडी हो जाएगी। अब इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने पानी ऐड करते हुए छोले के ग्रेवी की कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। आपको ग्रेवी कितनी पतली या थिक चाहिए उस हिसाब से आपको यहाँ पे पानी ऐड करना है। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया है, जिसके अंदर हमने छोले कुक किए थे वही पानी ऐड करते हुए मैंने ग्रेवी को हाई फ्लेम पर उबाल लाई। हाई फ्लेम पर उबल आने के बाद आपको गैस की फ्लेम लो कर देनी है और उसे कवर करते हुए 10 से 15 मिनट के लिए उसे कुक कर लेना है। आप देख सकते हो 10 से 15 मिनट के बाद जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो बिल्कुल बदल चुका है। उसका जो ग्रेवी है वो थिक होने लगा है और ऊपर अच्छे से तर्री आ गई है। इस तरीके से हमारे छोले मसाला बिल्कुल बनके रेडी हो रहा है। लेकिन आपको गैस की फ्लेम लो करते हुए उसे और 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेना है, क्योंकि कवर करने के बाद जो तर्री आती है वो थोड़ी कम आती है। अगर आपको तरी चाहिए होगी तो आपको कवर निकालते हुए उसे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इस तरीके से कुक होने देना है, ताकि छोले को अच्छे से तरी भी आएगी और जो छोले हैं वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट मुलायम बनके रेडी हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे छोले मसाला बनके रेडी है। आप इसे पराठे के साथ खाओ, भटूरे के साथ खाओ या फिर गर्मा गर्म पूरियों के साथ खाओ, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। मैंने इसके साथ गेहूँ के तंदूरी नान बनाए थे, वो भी इसके साथ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। चाहे तो मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। इस तरीके से हमारी बिल्कुल अमृतसरी पंजाबी स्टाइल छोले मसाला बनके रेडी है। आप देख सकते हैं उसका जो कलर है, उसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल आ चुका है। इस तरीके से ऊपर पैस को सर्व करते हुए आपको इसे गर्मा गर्म परोसना है और पंजाबी स्टाइल ढाबा स्टाइल अमृतसरी छोले हमारे बनके रेडी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और इस संडे ब्रंच को यह रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। आपको ये ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल छोले ज़रूर पसंद आएंगे।